हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। इससे पहले हम पांचवें चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर के स्टार्टिंग एक टॉपिक को जान लिया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन के कोफिशेंट कैसे निकालते हैं, यानी हम पीडीसी निकालना सीख रहे थे। कोई भी फंक्शन दिया जाता था और हम उसके पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशेंट, आंशिक अवकलन गुणांक ज्ञात करते थे। तो हमने उस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था और हमने ये जान लिया था कि पार्शियल डिफरेंशियल करते कैसे हैं। बट मैंने क्लास को थोड़ा छोटा रखा था और आप सभी से पूछा था कि दोस्तों, इसमें डिफरेंशियल के फॉर्मूले का यूज होगा। तो जिन बच्चों को भी फॉर्मूले नहीं आते हैं डिफरेंशियल के, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स में अवकलन चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो मैं उनको एक बार यहाँ पर फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ। जिन्हें आते हैं वो भी अपना रिवीजन कर लेंगे, जिन्हें नहीं आते वे पहले फॉर्मूले सीख लेंगे, बिकॉज अब आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल का यूज होगा। तो अभी इस चैप्टर में डिफरेंशियल का यूज है, तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशियल के बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मुश्किल से 5 से 6 मिनट लूंगा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूले रिवाइज करते हैं एक बारी। हमने पढ़ा था x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पावर को आगे ले आते हैं, n को आगे लाएंगे और एक पावर कम कर देते हैं, x की पावर n माइनस वन। पहला फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही रहता है। तीसरा हमने पढ़ा था फॉर्मूला a की पावर x का डिफरेंशियल, a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x होगा और इंटू में log a लिख जाता है, क्या log a, बेस e रहता है, ठीक है, log a इंटू log, नहीं a की पावर x इंटू log e बेस a। चौथा फॉर्मूला x की पावर n हो गया, e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया। ये तीन तो आपको क्रम से याद करने हैं, ठीक। इसके बाद आप साइन कॉस वाले याद कर लेना। साइन कॉस वाले याद करने से पहले आप log x का और लिख लेना फॉर्मूला log x का बेस e पर। log x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/x होता है, कितना होता है 1/x। ये चार फॉर्मूले आप शुरुआत में याद करेंगे, बिल्कुल आपको सीक्वेंस में याद होंगे ना, तो आपको एक तरह कह सकते हैं रटने में हेल्प होगी या इनको याद करने में हेल्प होगी। कौन कौन से, पहला x की पावर n होता है, n x की पावर n माइनस वन। दूसरा e की पावर x का e की पावर x रहता है। तीसरा आपका कौन सा होता है, a की पावर x का, a की पावर x इंटू log a होता है और log x का 1/x होता है। इनके बाद फिर 6 फॉर्मूले लिखेंगे हम साइन कॉस वाले, कितने 6। पांचवा फॉर्मूला आएगा हमारे यहाँ पर, पांचवा फॉर्मूला रहेगा, एक मिनट, इंक फ्लो कर रहा है, यस। पहले साइन से शुरुआत करते हैं, साइन एक्स डी एक्स, साइन के बाद कॉस का लिखेंगे हम, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस के बाद टेन का लिखेंगे, टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, प्लस का कॉस एक्स होता है डिफरेंशियल, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, समझ पा रहे हैं। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। एंड इसके बाद आठवां फॉर्मूला आएगा, टेन के बाद कॉट आता है, कॉट एक्स का, और नवा फॉर्मूला पढ़ेंगे कॉट के बाद सेक, सेक एक्स का, और सेक के बाद आ जाएगा आपका कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का। तो कॉट एक्स का जो होता है फॉर्मूला माइनस में होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, जैसे टेन एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स था, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक एक्स का आता है, हमने टेन का सेक लिखा था ना, तो सेक में टेन भी आता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ऐसे हमने यहाँ पर कॉट का कॉस लिखा था, तो कॉस वाले में कॉट भी आएगा बट माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस आता है। ऐसे इसे रिलेट करके याद करें आप, ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस तरह कितने हो गए, ये 10 फॉर्मूले हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद और देखिए आगे, अब हम इन्वर्स के देख लेते हैं 6 फॉर्मूले, इन साइन कॉस ये वाले जो 6 ना, इनके ही इन्वर्स और देख लेते हैं। तो इन्वर्स क्या होंगे, साइन इन्वर्स एक्स का, इसी के साथ कॉस इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स के बाद टेन इन्वर्स एक्स का, टेन के बाद कॉट इनवर्स एक्स का, और कॉट के बाद सेक इनवर्स एक्स, अभी कॉस इनवर्स कोसेक और रह गया, इधर लिख देंगे। साइन का होता है 1/√ में 1 - x² ये याद करने आपको, इनवर्स वाला, ठीक है। कॉस इनवर्स में क्या करेंगे, बस इसी साइन वाले में ही आगे माइनस लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा,
वन माइनस एक्स स्क्वायर, समझ पा रहे ना, जो साइन का फॉर्मूला वही कॉस का रहता है, सिर्फ माइनस आ जाता है। ऐसे टेन का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन का क्या वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में क्या करेंगे टेन वाले में माइनस लगा देंगे, सिंपल माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, समझ आया। इसी तरह सेक इनवर्स का होता है वन अपॉन एक्स बाहर लेते हैं और रूट में जो साइन वाला था इसको उल्टा करके लिख दो, एक्स स्क्वायर पहले वन बाद में, ठीक है। एंड लास्ट रह गया आपका कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स जो सेक वाला लिखा है इस पर माइनस लगा देंगे, वन अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये हो गया कोसेक इनवर्स। अब 16 तो ये हो गया आपके, अब एक दो फॉर्मूले देख लो जरा जो बेसिक वाले, मैं तो आपको ये 16 ही याद करने हैं, इन्हीं का यूज होगा आगे के सभी चैप्टर्स में। इसके बाद दो फॉर्मूले और बता रहा हूँ मैं आपको, उनको भी याद करना है। दो फॉर्मूले कौन से, एक तो अगर दो फंक्शन गुणा में दे रखे हों, यानी दो फंक्शन है आपके और वो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, गुणा में दे रखे हैं, तो उनका कैसे करते हैं। दो फंक्शन मान लिया कौन कौन से, मैं एक को फर्स्ट कह दे रहा हूँ, दूसरे को सेकेंड कह दे रहा हूँ, आप यू भी करके भी लिख सकते हैं, मैं यू भी लिख देता हूँ, या फिर फर्स्ट सेकेंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट सेकेंड रहने दीजिए। दो फंक्शन है, कुछ भी हो सकते हैं इनकी जगह पे, इन दोनों के प्रोडक्ट का करना है हमें डिफरेंशियल। कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले का डिफरेंशियल, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, समझ पा रहे हैं। एक का, एक को सेम रखते हैं दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा सेम रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशियल, इस तरह से हो गया 17वां फार्मूला। 18वां अगर अपॉन की फॉर्म में हो, किस में अपॉन में, जैसे कोई फंक्शन है एक u अपॉन b, अपॉन की फॉर्म में दे रखे हैं फंक्शन और इसका करना है हमें डिफरेंशियल, ठीक है, इसका हमें डिफरेंशियल करना है, d अपॉन dx करना है, समझ पा रहे हैं किसका, जब अपॉन की फॉर्म में फंक्शन हो तो इसमें क्या करना होगा आपको, नीचे जो भी लिखा है हर कहते हैं इसको, हर का स्क्वायर करते हैं, फिर यह हर लिखते हैं, हर मतलब नीचे वाली वैल्यू, इनटू अंश का अवकलन ऊपर वाले का डिफरेंशियल डी यू अपॉन डी एक्स, बीच में माइनस लगाते हैं, अब ऊपर वाले को सेम रखेंगे यू को और वी का कर देंगे डिफरेंशियल डी वी अपॉन डी एक्स, ये अपॉन वाला फॉर्मूला होता है, इसका भी यूज होगा, ठीक है ना। 18 हो गए, लास्ट फॉर्मूला आप सबके लिए मेरी तरफ से, कोई कॉन्स्टेंट हो, अगर किसी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो जाता है, कॉन्स्टेंट समझते हैं ना, इसका ज़्यादा यूज होगा, किसका, इसका ज़्यादा यूज होगा आपके इस चैप्टर में, क्योंकि हम इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो बाई को कांस्टेंट मानते हैं, और बाई अकेला अगर कहीं दिख गया तो उसका जीरो कर देंगे, ऐसी बाई के रिस्पेक्ट में एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, जब बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का जीरो हो जाता है, तो वहाँ पर कांस्टेंट का जो होता है जीरो होता है डिफरेंशियल, ठीक। एक और 20वां और लिख लो फॉर्मूला, कोई कांस्टेंट हो किसी फंक्शन के साथ, एक्स का कोई फंक्शन है, अगर हमें इसका डिफरेंशियल करना है, क्या करना है डिफरेंशियल, तो हम इस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और केवल फंक्शन का कर देते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले, केवल 20 फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, मैंने तो आपके 18 ही हैं, 20 और कुछ नहीं है, इन फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं। सीक्वेंस कैसे याद करना है आपको, शुरू के चार फॉर्मूले याद करेंगे, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, दूसरा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तीसरा ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, इनटू में लॉग ए आ जाता है, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, चार तो ये हो गए, ठीक है ना। इसके बाद छः आएंगे आपके, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, छः क्या क्या होते हैं, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद फिर छह फॉर्मूले इनवर्स वाले आएंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का करेंगे तो साइन वाले के आगे माइनस लगा देंगे सिंपल, तो माइनस में वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और जब हम कॉट इनवर्स एक्स का लिखेंगे तो क्या कर देंगे, उसमें हम माइनस लगा देंगे टेन वाले में, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है जो साइन वाला लिखा था ना उसी को नीचे उल्टा करके लिख देना, बस आगे एक्स और आ जाता है, तो वन अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। कोसेक इनवर्स में क्या होगा, इसी में माइनस लगा देना आपको, तो माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। इसके बाद ये हमारे कितने हो गए, 6, 6, 12, 4, 16 हो गए, कितने हो गए 16, यहाँ तक हो गए, ठीक है। इसके बाद दो फॉर्मूले ये वाले हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल। इसी तरह अपॉन वाले में क्या करेंगे, यू अपॉन बी में,
तो जो नीचे हर होता है हर का स्क्वायर करते हैं, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, या यू बी की फॉर्म में आप याद कर लें, नीचे बी का स्क्वायर बी यू का डिफरेंशियल माइनस यू बी का डिफरेंशियल, ठीक है। कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाता है, कांस्टेंट को आगे ले लेते हैं अगर किसी फंक्शन के साथ होगा तो केवल फंक्शन का डिफरेंशियल कर देते हैं। इन बीस के बीस फॉर्मूले का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे आप लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जिससे कि आपको आगे जितने भी चैप्टर्स में इनका यूज होगा वो सभी आपको इजीली समझ में आ सके। क्लियर ना दोस्तों? चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और हम मूव करते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। अभी इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आप पार्शियल डिफरेंशियल भी करना सीख लेंगे, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको। देखते रहिए, अब आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी तो आपका कोर्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मॉस और मैथ दोनों। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिया था कॉन्सेप्ट के साथ, दूसरा क्वेश्चन है ये। यहां पर आपको दिया गया है यदि एक फंक्शन है कोई यू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स बाई प्लस बी बाई स्क्वायर, ये आपको दिया है। कल का क्वेश्चन भी यही फंक्शन था सेम, यू इक्वल टू आपको ये फंक्शन ले रखा था और कल हमने आपसे पूछा था कि आप इसके अवकलन आंशिक अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशियंट कल पूछे थे हमने। बट आज क्वेश्चन डिफरेंट है, ये फंक्शन दिया है और आपसे बोला है सिद्ध कीजिए कि ये 2004 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है आपको इसमें, आपको इसमें प्रूव करना है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में कितना 2u इक्वल टू 2u, ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन सभी को समझ आ रहा है? तो अब क्वेश्चन में आपको यहाँ क्या दे रखा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, जब भी डेल लगा आ जाएगा समझ लेंगे पार्शियल डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करके बताना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल। यहाँ पर क्या दिख रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, मतलब इस यू फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशियल। यहाँ का लिखा है डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब यू का करना है बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। जो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे उसमें एक्स से मल्टीप्लाई, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे उसमें बाई से मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 2u के बराबर आनी चाहिए, ठीक है, देखते हैं करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका u का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, यहाँ लिख देंगे हम क्या, आप इसको समीकरण एक मान सकते हैं जो क्वेश्चन दिया है इसको, तो यहाँ लिख देंगे आप समीकरण एक का, समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो u का हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं आप तो मैंने कल भी कहा था हम कर रहे हैं कौन सा आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशियल। तो पार्शियल डिफरेंशियल में अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट रहता है, y क्या रहता है कांस्टेंट, ये चीज़ आप याद कर लेंगे जरूर, ठीक है ना। चलिए तो अब x के रिस्पेक्ट में x का क्या होगा, अभी आपको लिखवाया था फॉर्मूला कि जो भी घात होती है, पहला ही फॉर्मूला था x की पावर n वाला, जो पावर होती है उसे आगे ले आते हैं तो 2ax हो जाएगा, ये दो पावर में से एक कम करेंगे तो x पे एक पावर बचेगी, ठीक है। प्लस यहाँ पर बाई कांस्टेंट है लिखा हुआ, बाई कांस्टेंट है तो 2h और बाई एक साथ लिख जाएगा 2h बाई x का हो जाएगा 1 डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, क्लियर ना। प्लस बाई का क्या हो जाएगा, मैंने कहा था अभी आपसे लास्ट में 19वां फॉर्मूला लिखवाया था कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, तो यहाँ पर बाई को कांस्टेंट मान रखा है, एक्स है ही नहीं इसमें, जब एक्स नहीं है तो बाकी पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो गया जीरो, समझ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा फिर, ये 2ax प्लस में 2h बाई, ये हो गया आपका इसकी वैल्यू। हमें चाहिए क्या, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, मतलब हम इसमें जो ये जो वैल्यू आई है डेल यू अपॉन डेल एक्स की, इसमें x से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। जब आप इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 2ax स्क्वायर प्लस में 2hxy, 2h
एक्स वाई, इसको आप इक्वेशन दो मान सकते हैं, ठीक है। हमने आधी वैल्यू निकाल दी, अब हम करेंगे यू का वाई के रिस्पेक्ट में। यू क्या है, एक समीकरण है, तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण एक का, समीकरण एक का वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष आंशिक आंशिक अवकलन, ठीक है, आंशिक अवकलन। अब वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट मान लेंगे, एक्स कांस्टेंट, एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट मानेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। इसका करना वाई के सापेक्ष, तो डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा ये, बराबर वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, प्लस यहाँ पर वाई कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट है तो टू एच एक्स सेम लिख जाएगा, किसी फंक्शन के साथ लिखा हो तो सेम लिख देते हैं, और अकेला कांस्टेंट हो तो उसे जीरो कर देते हैं। अभी ये बाई के साथ लिखा है तो सेम लिख जाएगा, बाई का कर देंगे डिफरेंशियल, जो कि मैंने इसका कॉन्सेप्ट 20 में फॉर्मूले में बताया था कि जिस फंक्शन का हमें करना है डिफरेंशियल उसके साथ में कोई कांस्टेंट हो तो उसको हम आगे ले लेते हैं सेम टू सेम ऐसे ही, और केवल फंक्शन का कर देते हैं डिफरेंशियल, और अकेला कांस्टेंट हो तो उसका हो जाता है जीरो, ठीक है ना। तो देखिए ये कांस्टेंट था, यहाँ बाई था नहीं तो इसका हो गया जीरो, यहाँ बाई है तो ये वाला सेम टू सेम आ गया, बाई का हो जाएगा डिफरेंशियल वन, ठीक है। प्लस यहाँ पर बाई का करना बाई की रिस्पेक्ट में तो टू आ गया जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये टू बी बाई, टू बी बाई, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया टू एच एक्स और प्लस में टू बी बाई, इतना समझ आया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें चाहिए वैल्यू बाई की मल्टीप्लाई चाहिए इसके साथ, तो हम बाई से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो बाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब इसमें आप बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एच एक्स बाई हो गया, प्लस में ये कितना हो जाएगा टू बी एक्स बाई, नहीं 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 बाई से कर रहे हैं ना, बाई का स्क्वायर, कितना बाई का स्क्वायर, ये समझ आया। इसको आप इक्वेशन तीन कह सकते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्रूव करना है, मतलब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, किस किस को, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, समीकरण एक को दो के साथ जोड़ दीजिए आप, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो बराबर के इस साइड वाले अलग जोड़ लो, इस साइड के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स है, प्लस इधर क्या है वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई है, हमने लेफ्ट हैंड साइड के जोड़ लिए, बराबर के इधर वाले जोड़ लो, पहले इसको लिख लो क्या है ये टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, अब इसमें ऐड कर देंगे नीचे वाले का ये वाला 2h x by प्लस 2b by स्क्वायर, समझ आ रहा है। इसको देखिए क्या ये 2u की वैल्यू है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, आपको पता चल जाएगा 2u की वैल्यू है या नहीं, ठीक है। मैं इधर लिख दूँ इस चीज़ को ही, तो इक्वल के साइड वाला देखिए 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, अब मेरे पास वैल्यू क्या रह गई ax स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से दो निकल गया, ये एच एक्स वाई बचा और ये एच एक्स वाई बचा, इसमें से भी दो बाहर चला गया, तो एच एक्स वाई और एच एक्स वाई मिलकर टू एच एक्स वाई हो गया, टू एच एक्स वाई, या फिर आप ये समझ सकते हैं ये दोनों जुड़कर चार हो जाता, चार में से दो बाहर ले लो, दो बचेगा एच एक्स वाई, प्लस में यहाँ से टू बाहर चला गया तो क्या बचा बी वाई स्क्वायर। आप खुद देखिए क्या ये वैल्यू दो यू की वैल्यू है, यस यह वैल्यू यू की वैल्यू है, देख लीजिए यू की वैल्यू है तो टू इंटू यू आ गया, प्रूव हो गया तो अप्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 2004 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। अब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूँ और ध्यान से समझेंगे, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आसान सा, फिर आपको दो तीन क्वेश्चन है वो टफ वाले क्वेश्चन, क्योंकि पहले आसान करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में उतना ही अच्छे से आता रहेगा, फिर मैं एकदम से आपको बहुत टफ क्वेश्चन कराऊंगा, टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन आपके लिए थोड़ा टफ लगेगा, बिकॉज उसमें डिफरेंशियल है और थोड़ा कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन रहेगी, तो उनको करेंगे जो 5-5 नंबर में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ आपको पहले ही बता दूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इनमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें आप, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं 5 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ और मैथ का एक्सपीरियंस पढ़ाते पढ़ाते हो गया है, इतना पता चल जाता है एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं, तो जितने मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस जरूर करें आप, एक्सरसाइज भले ही बाद में करें लेकिन पहले इन क्वेश्चन को जरूर करना है आपको और इन्हें नोट्स में लिखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हटाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अभी जैसा ये क्वेश्चन था ऐसा ही एक और सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
आराम से समझते चलेंगे, भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। एक बार समझ आ जाए तो फिर आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आपको दिया गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2005 के एग्जाम में। यदि फंक्शन एफ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 है उस बुक में, कुछ भी हो सकता है। यदि एफ एक्स कोमा वाई, एफ एक्स कोमा वाई का मतलब है दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन है एफ जो कि एक्स वाई के टर्म में है, और क्या है ये फंक्शन है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax y, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax y, ये दिया है आपको। ठीक है, आपसे बोला है तो सिद्ध करो, कि सिद्ध करो, करो नहीं आप लिखिए कीजिए, थोड़ा इज्जत होनी चाहिए ना, सिद्ध कीजिए, बुक में लिखा है सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि डेल डेल 2f डेल 2f अपॉन डेल x इंटू डेल y बराबर डेल 2f अपॉन डेल y इंटू डेल x। मैंने कल की क्लास में बताया था इन दोनों की वैल्यू बराबर ही आती है, अब यहाँ पर प्रूव करने को दे दिया ये बराबर आनी चाहिए, अब इसको सिद्ध कीजिए। कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, पहले देखिए पीछे से शुरू करते हैं हम, एफ का पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना है, जो वैल्यू आएगी फिर उसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, एलएचएस मिल गया। आरएचएस में क्या करेंगे, पहले एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, आरएचएस मिल गया, दोनों बराबर आने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए आप। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक का, समीकरण एक का किसके, वाई के, वाई के सापेक्ष, बेटा बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, अब धीरे धीरे आपको इसमें चैप्टर में इंटरेस्ट आने लगेगा बहुत ज़्यादा, आंशिक अवकलन करने पर, जब आप वाई के सापेक्ष करेंगे आंशिक अवकलन तो इसमें एक्स मान लेंगे बेटा कांस्टेंट, एक्स क्या रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, मैं साथ में लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए इस तरह से एग्जाम में, तो एग्जामिनर भी खुश होगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे तो फिर आप भी खुश होंगे। ठीक है, चलिए एफ का करना है किसके रिस्पेक्ट में, बाई के, तो क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अब बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स है कांस्टेंट, अभी आपको बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो जाता है प्लस, बाई का करना है एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये 3 आगे आ जाएगा यहाँ पर आपका, तो हो जाएगा 3 इंटू वाई की पावर, एक पावर कम कर देते हैं 2 बचेगा। सबसे पहला ही फॉर्मूला लिखा था एक्स की पावर एन में क्या करते हैं, पावर को आगे लाते हैं और घात में से एक कम कर देते हैं, तो इस घात को आगे लिया है उसमें से कम कर दिया प्लस, अब आपको यहाँ पर बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स कांस्टेंट है तो बाई के साथ जो कांस्टेंट लिखते हैं उसे सेम लिख लेते हैं 3ax, बाई का हो जाएगा 1। समझ आ रहा है ना, ये बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ से वैल्यू आपको मिल गई 3y² प्लस में 3ax, यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ सभी को ये, आप इसको इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन 2 आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका y का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y का x के रिस्पेक्ट मतलब इसका करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन, ठीक है, आंशिक अवकलन में क्या करते हैं, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई कांस्टेंट रहेगा, बाई कांस्टेंट कर देंगे, बाई को कांस्टेंट कीजिए तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करना है आपको, तो ऊपर तो हो जाएगा क्या डेल 2f, नीचे डेल x और पीछे क्या था यहाँ डेल y। ठीक है, वैल्यू देखिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, बाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो गया बेटा 0, ये पूरा कांस्टेंट है ना, यहाँ देख लीजिए ये कांस्टेंट है पूरा, इसका हो जाएगा 0 प्लस यहाँ एक्स का हो जाएगा 1, तो क्या जाएगा 3a कांस्टेंट है, एक्स का हो जाएगा 1, तो क्या मिल गया आपको ये 3a मिल गया, डेट मीन्स ये वैल्यू क्या आ गई LHS, ये हमें LHS मिल गया, LHS क्योंकि LHS ही तो था ये वाला, देख लीजिए यहाँ से ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब RHS निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आप F का पहले करेंगे X के सापेक्ष, F क्या ये फंक्शन मतलब इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का X के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इंग्लिश वाले बच्चे पता ही आप सब तो पहले से स्कॉलर्स हैं, क्या बोल देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, अब x के रिस्पेक्ट में बाई कांस्टेंट, बाई रहेगा बेटा कांस्टेंट,
कीजिए, किसका कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट का, फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसका कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आएगा, वेरी गुड। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स की घात तीन का तीन आगे आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बाई कॉन्स्टेंट रहेगा इसका जीरो हो गया, प्लस यहाँ बाई कॉन्स्टेंट है तो थ्री ए बाई सेम लिख जाएगा, कॉन्स्टेंट है थ्री ए बाई, और एक्स का हो जाएगा बेटा वन। बोलिए समझ आ रहा है ना, क्या हो गया ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री ए बाई हो गया, इतना क्लियर हुआ। ये मान लो समीकरण तीन आ गया, यहाँ तक कितना दो हो गया, तीन आ गया ये। अब इसका क्या करना है, अब आपको बाई के रिस्पेक्ट में और कर देना है इसका, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण कितना तीन आया है, तो समीकरण तीन का इस तरह लिखना, आपको पता रहेगा किसका कर रहे हैं डिफरेंशियल किसका नहीं, ठीक है। समीकरण तीन का बाई के सापेक्ष, बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू बाई, यहाँ एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स कांस्टेंट, और जब एक्स को कांस्टेंट करेंगे आप तो एक्स वाले का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा डेल टू एफ हो गया, नीचे हो जाएगा डेल वाई इंटू डेल एक्स बराबर, निकालिए वैल्यू, इस एक्स का क्या हो गया बेटा जीरो, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, प्लस ये तो जीरो पहले से ही था, इसका करेंगे तो थ्री ए आएगा, बाई का हो जाएगा वन, वाई का कितना हो जाएगा बेटा वन, यहाँ समझ सकते हैं एक्स का हो गया जीरो और वाई का हो गया वन, कितना आ गया वैल्यू इसकी थ्री ए, ये क्या आ गया, ये आर एच एस आ गया, क्या आ गया ये आर एच एस, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर लीजिए क्या बराबर हैं, यस बराबर हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, ये भी आसान क्वेश्चन था और ये भी बहुत आसानी से आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गए आपके, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, अब जो मैं अगले दो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इनको वेरी 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 इंपोर्टेंट कर लेंगे, ठीक है, जितनी बार मन करे उतनी बार इंपोर्टेंट लिख लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर, एक नहीं मैं दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, इसमें तीन क्वेश्चन मुझे और इंपोर्टेंट नजर आ रहे हैं, तो अभी तीन क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, हटा दें इसको, हटाते हैं। चलिए लिख लीजिए फिर, अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, तीन, अब हमारा आएगा कौन सा, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, प्लीज़ करके रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप इन्हें जरूर करें, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका यू इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई जेड, यू इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई जेड, ये आपको गिवन है और आपसे कहा है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि, अब तीन बार करना है डिफरेंशियल u का, तीन बार u का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वैल्यू आएगी इसकी 1 प्लस थ्री एक्स बाई जेड प्लस में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिएगा इसको ई की पावर एक्स बाई जेड, ई की पावर एक्स बाई जेड, ये आपको प्रूव करना है। और ये बहुत बार आया है, 2000 में आया था, 2003 में आया है, 2006 में आया है, और सुन लीजिए 2000 अब जो आपका एग्जाम होगा 22 में, इसमें भी आ सकता है, ठीक है, इंपोर्टेंट कर लेंगे इसको, वेरी इंपोर्टेंट कर लेंगे, कहाँ लिखे हैं इधर लिख देते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट कहा है उसको आप जरूर तैयार करें प्लीज करके, ठीक है, क्योंकि हम सब क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट नहीं बोलते, लेकिन जिनको बोलते हैं उनकी आने की एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और पाँच नंबर में आएगा, पाँच से कम में नहीं आएगा एग्जाम में ये। तो चलिए प्रूव करते हैं, आपको प्रूव करना है बेटा, क्या करना है, यू का आपको तीन बार करना है पार्शियल डिफरेंशियल, डेल्टा मतलब पार्शियल डिफरेंशियल, पहले करना है जेड के रिस्पेक्ट में, अब जो वैल्यू आएगी उसका करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जो आएगा उसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, सिंपल है। चलिए शुरुआत करते हैं, आप इसको नाम दे देना, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये, आप पहले लिखेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, थोड़ा स्पीड से करते हैं और इस बार मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, पहला जेड है तो जेड के रिस्पेक्ट में,
पहले हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, जेड के रिस्पेक्ट में। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे ना, समीकरण एक का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब तक हम हिंदी में लिखते आ रहे थे, थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चों को भी खुश करते हैं। चलिए जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड के अलावा बाकी दोनों कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, एक्स और वाई। एक्स वाई क्या रहेंगे इसमें, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। चलिए एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यू का डेल यू अपॉन डेल जेड। इतना समझ आ रहा है? अब थोड़ा सा ध्यान देना है आप सबको, सामने थोड़ा सा ध्यान देना है बस, ठीक है। e की पावर का डिफरेंशियल सेम e की पावर रहता है, जो भी पावर में होता है। अगर e की पावर x है तो e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर y है तो e की पावर y का e की पावर y रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, e की पावर का e की पावर x बाई जेड, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्या, e की पावर x का डिफरेंशियल। बट दोस्तों इन टू में हम क्या करेंगे, अब e की पावर में x ना होके एक्स्ट्रा फंक्शन लिखा हो तो इसका फिर से करते हैं हम डिफरेंशियल। जब इसका फिर से करेंगे पावर का, वो इनटू में लिखेंगे उसको, तो इनटू में इसका कीजिए फिर से, हम करेंगे इसका फिर से। तो आपको पता है x और y कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है उसको सेम लिख लेते हैं, x y को सेम लिख देंगे। बट z का क्या हो जाएगा, z का हो जाएगा 1। बोलिए समझ आ गया सभी को ये, एक बार फिर रिपीट करते हैं, e की पावर x y z का e की पावर x y z हो गया, और x y z का फिर से करेंगे इनटू में तो x y कांस्टेंट हो जाएगा, z का हो जाएगा 1। समझ आ गया? तो ये आपका डिफरेंशियल आ गया एक बार, क्या आ गया डिफरेंशियल। तो इसको इक्वेशन दो बना लीजिए, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करना है, जेड के रिस्पेक्ट में हम कर चुके, अब करना बाई के रिस्पेक्ट में, जो वैल्यू आई है इसका बाई के रिस्पेक्ट में। ये समीकरण दो है तो लिख देंगे पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, अब बाई के रिस्पेक्ट में, बाई के। बेटा जब बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, बाई को छोड़ के बाकी क्या बचा, एक्स जेड कॉन्स्टेंट, एक्स जेड बच गया कॉन्स्टेंट। समझ आ रहा है? अब करिए इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ हो जाएगा डेल टू ऊपर हो जाएगा टू यू अपॉन में बाई इंटू जेड हो जाएगा, डेल वाई इंटू डेल जेड, ठीक है ना। अब बेटा बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाई यहाँ भी लिखा है, बाई यहाँ भी लिखा है, जब दो दो जगह इंटू में बाई लिखा है मतलब दो फंक्शन है बाई के, और दो फंक्शन है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि मैंने आप सबको लिखवाया था फॉर्मूला नंबर 17 नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड, इन दोनों का करना है आपको डिफरेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशियल प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल, इनको आप प्लीज करके याद कर लीजिए। बस जो 20 शुरू में फॉर्मूले लिखवाए हैं इनको याद कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा इस मैथ के लिए, ठीक है। इन्हीं 20 फॉर्मूलों को याद करना, सिर्फ एक्स्ट्रा में नहीं बोल रहा आपसे। चलिए तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है, e की पावर x बाई जेड, इसको एज इट इज लिख देंगे इनटू में। सेकंड का करना है बेटा डिफरेंशियल, सेकंड का कीजिए डिफरेंशियल, x बाई लिखा है, x तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सेम लिख जाएगा, y का क्या हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। बोलिए समझ आ गया सभी को, और 1 तो हट जाएगा, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई हो गया, 1 हट गया। तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या x बाई है, x बाई इनटू में फर्स्ट का डिफरेंशियल। इसका करना है डिफरेंशियल, क्या हो जाएगा बेटा इसका डिफरेंशियल, e की पावर x बाई जेड का करना है बाई के रिस्पेक्ट में, तो सेम रहेगा e की पावर x बाई जेड, और x बाई जेड का जब आप फिर से करेंगे तो एक्स जेड तो कांस्टेंट हो जाएगा, y का हो जाएगा 1। समझ आया? एक बार फिर रिपीट करते हैं, ध्यान से समझेंगे, सामने फिर देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल क्या होगा, x कांस्टेंट है, y का हो जाएगा 1, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशियल, इसका y के सापेक्ष करना है, तो e की पावर x बाई जेड तो सेम हो गया, y के रिस्पेक्ट में x और z हो जाएगा कांस्टेंट, y का हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आपके सामने आ गई। इसमें से आप e की पावर x बाई जेड कॉमन ले सकते हैं, e की पावर x बाई जेड आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, यहाँ तो x बच गया, प्लस में यहाँ बच गया x, और x का गुणा किया आपने, x स्क्वायर बचा, बाई और जेड बचा, बाई और जेड बचा। समझ आ रहा है ये? इतना समझ गए सभी दोस्त? चलिए ये आपकी इक्वेशन तीन मान सकते हैं इसको, ये तीन इक्वेशन आ गई तीसरी, ठीक है। या फिर मैं इसको अभी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि आपको डिफरेंशियल करने में आसानी होगी, कन्फ्यूज नहीं होंगे आप, है ना, जैसा है सेम वैसा ही लिख लीजिए, एक्स ई की पावर एक्स बाई जेड प्लस में एक्स का एक्स में गुणा किया एक्स स्क्वायर बाई और जेड, बाई जेड और साथ में ई की पावर एक्स बाई जेड। अभी इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक। चलिए तीसरा इक्वेशन आ गया, अब इसका जो अब क्या हो गया, जेड के रिस्पेक्ट में हो गया, बाई के रिस्पेक्ट में हो गया, जेड के हो गया बाई के, अब एक्स और बचा है, तब समीकरण तीन का x के सापेक्ष कर दीजिए, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन थ्री विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो खुद बताइए कांस्टेंट क्या होगा इसमें,
बाई जेड, वेरी गुड, बोलते रहिए साथ साथ, आपको लगेगा आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाई जेड कॉन्स्टेंट रहेगा इसमें। चलिए कीजिए इसका, ये हो जाएगा डेल थ्री यू हो गया, नीचे आ जाएगा क्या, पहले एक्स लिखेंगे फिर बाई लिखेंगे फिर जेड लिख देंगे। चलिए लास्ट स्टेप है ये, इसके बाद आपका आंसर यही निकल के आने वाला है, सामने देखेंगे। हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लेंगे, वैसे ज़्यादा फायदा रहता कॉमन लेने में हमें, बट कोई बात नहीं, यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड मानना पड़ेगा, यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड मानना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, कॉमन लेके कर लो भाई, सॉरी फॉर डैट, लेकिन आप कॉमन ही ले लो, इससे आपको हेल्प होगी, आसानी होगी। यहाँ से e की पावर एक तो x कॉमन आ रहा है, x और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x बाई जेड, इस तरह से रहन दो भाई, तुम ऐसे ही करो, है ना, ऐसे ही करो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इसमें भी इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है, इस तरह करना है, पहले इसको फर्स्ट सेकंड कीजिए, इसको जब फर्स्ट सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशियल, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल क्या होगा इसका, e की पावर x बाई जेड का सेम रहेगा, और यहाँ पर आपका जब ऊपर का करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, बाई जेड कॉन्स्टेंट x का हो गया 1, समझ आ रहा है, बोलिए समझ आ रहा है इतना, फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशियल इसका, e की पावर एक्स वाई जेड का सेम रहेगा और एक्स वाई जेड का करेंगे तो बाई जेड कॉन्स्टेंट x का 1 हो गया, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे e की पावर एक्स वाई जेड, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 x के रिस्पेक्ट में, यहाँ तक क्लियर हुआ, तो हमने ये फर्स्ट वाले का कर लिया, मतलब हमने ये दोनों फंक्शन का कर लिया, अब प्लस करके अब इन दोनों फंक्शन का कीजिए इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर बाई जेड, सेकेंड का करना है डिफरेंशियल, कीजिए सेकेंड का, इसका करेंगे तो हो जाएगा e की पावर एक्स बाई जेड, और एक्स बाई जेड का फिर से करना है तो इसमें बाई जेड कॉन्स्टेंट हो गया और x का हो गया 1, इतना समझ आया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशियल हो गया, प्लस में सेकेंड फंक्शन लिख दो एज इट इज e की पावर एक्स बाई जेड, और फर्स्ट का करना है डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल में बाई जेड कॉन्स्टेंट रहेगा और x का करेंगे 2 आ गया जाएगा, तो 2xyz हो गया, 2xyz, ये हो गया आपका इसका भी, ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेम लिखा, सेकंड वाले का डिफरेंशियल किया, e की पावर एक्स वाई जेड का सेम रहा, बाई जेड का एक्स वाई जेड का करेंगे तो बाई जेड कॉन्स्टेंट एक्स का 1, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल कर दिया, और प्लस में यहाँ देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा ये वाला, सेकंड का किया इसका डिफरेंशियल, क्या हो गया e की पावर एक्स वाई जेड इंटू बाई जेड हो गया, एक्स का 1 हो गया था, प्लस में सेकंड फंक्शन लिख दिया सेम टू सेम, फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ भी e की पावर एक्स वाई जेड है, यहाँ भी e की पावर एक्स वाई जेड है, यहाँ भी e की पावर एक्स वाई जेड है, यहाँ भी है, पूरे में से कॉमन ले लीजिए e की पावर एक्स वाई जेड, e की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, अब देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बच गया एक्स वाई जेड, क्या बचा एक्स वाई जेड, वेरी गुड, प्लस यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, केवल 1 बचा, कितना बचा केवल 1, प्लस में यहाँ क्या बचा, यहाँ से आपने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पहले से बाई का बाई में मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर हो गया, जेड का जेड के मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर हो गया, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ तक हो गया, इसके बाद यहाँ से कॉमन ले लिया आपने ये, तो यहाँ क्या बचा 2xyz, बोलिए क्लियर ना, अब ये ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, ब्रैकेट के अंदर है आपका एक तो 1 है 1 लिख लिया, प्लस में और क्या है एक एक्स वाई जेड ये है, 2xyz ये मिलकर 3xyz हो गया, 3xyz हो गया, प्लस और क्या बचा स्क्वायर वाला पार्ट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो स्क्वायर वाला पार्ट बच गया, और कॉमन हमने क्या लिया था e की पावर एक्स बाई जेड, e की पावर एक्स बाई जेड, अब थोड़ा सा अपने क्वेश्चन की ओर गौर फरमाइए और बताइए क्या आपको यही प्रूव करना था, क्या आपको यही प्रूव करना था 1 3xyz एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल एक्स वाई जेड, यस, तो ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है, मैंने छोटे से रूप में ही करा दिया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा यहाँ समझने की जरूरत थी आपको, एक बार फिर से रिपीट करके इसको देखना, आसानी से क्लियर हो जाएगा आप सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है, अब दो क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, टेन इनवर्स वाला और साइन इनवर्स वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करेंगे उन क्वेश्चंस को, लास्ट के 3 क्वेश्चन इन्हें इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और आज जो मैंने 6 क्वेश्चन कराए ना, मतलब 4 तो हो गए, 2 और करा रहा हूँ आपको, तो इन 6 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, 6 में से लास्ट के 5, मतलब पहले लेक्चर वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, बाकी आज के जो 5 क्वेश्चन है इनको अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, और नहीं भी आया ना तो कॉन्सेप्ट तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिल ही रहा है, आगे के चैप्टर्स में आपको हेल्प होगी, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन क्वेश्चन की बन सकता है यहां से एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको रफ करते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए
लिख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कर दीजिए इसको, पांचवा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है आपका u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्लस प्लस बाई स्क्वायर, नहीं प्लस नहीं माइनस है सॉरी, माइनस माइनस बाई स्क्वायर टेन इनवर्स, यहाँ बाई अपॉन एक्स है, यहाँ एक्स अपॉन वाई है, एक्स अपॉन वाई। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सभी को, एंड आपको कहा है प्रूव कीजिए, प्रूव डेट, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है आपको, आपको इसका दो बार करना है, यू का डिफरेंशियल, यू का डिफरेंशियल दो बार करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस तरह से प्रूव करके क्या लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीन बार आया है एग्जाम में, मतलब ये बुक जो मेरे पास है इसमें तीन बार डेट लिखी हुई है, इसमें 2004 में भी आया है, एक में भी आया है, 1995 में भी आया है, कई बार पूछा है क्वेश्चन ये, तो इस बार भी मे भी पूछ ले आपसे, तो इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, पहली चीज किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, बाई के रिस्पेक्ट में, फिर जो आंसर आएगा उसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कीजिए, यहाँ लिख देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट का समीकरण एक का, समीकरण एक का पहले किसके रिस्पेक्ट में करना, बाई के, समीकरण एक का बाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल यानी आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, ठीक है। अब कर रहे हैं आप किसके रिस्पेक्ट में बेटा, बाई के रिस्पेक्ट में, और यहां पर एक्स और बाई दो ही फंक्शन, दो ही वेरिएबल है, तो बाई के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा कांस्टेंट, लिख दीजिएगा एक्स क्या है, कांस्टेंट है, एक्स को कांस्टेंट मान के करेंगे। चलिए कीजिए, बाई के सापेक्ष ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, इतना समझ आ रहा है बराबर। अब यहाँ कर रहे हैं बाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स तो हो गया कांस्टेंट, एक्स को तो सेम लिख देंगे कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर हमें करना है सिर्फ इसका टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का क्या होगा, आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, जस्ट अभी मैंने लिखवाया था आपको, फॉर्मूला नंबर कौन सा था, ये फॉर्मूला नंबर था आपका 4 6 10 10 और 3 13 14 नंबर पर लिखवाया था, ठीक है। आप फिर भी नंबर से मतलब नहीं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलिए लिखवाया था या नहीं, ये लिखवाया गया था, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पर एक्स ना होके क्या बाई अपॉन एक्स है, तो बाई अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ कैपिटल एक्स स्क्वायर के प्लेस पर, तो लिख देंगे आप 1 अपॉन में 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स इसका स्क्वायर, इतना समझ आ रहा है, देख लीजिए सेम फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर आपका वाई अपॉन एक्स है, तो क्या आ जाएगा यहाँ आपका, यहाँ आ जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है ये चीज़, तो यहाँ ब्रैकेट के क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, वैसे होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, समझ आ गया इतना। अब मैंने क्या बताया था, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्मूले में यहाँ एक्स के अलावा अगर कुछ और है तो उसका फिर से करते हैं और इंटू में लिख देते हैं उसको। अब आप बाई अपॉन एक्स का फिर से करेंगे डिफरेंशियल और इंटू में लिख देंगे, बाई अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, बाई की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, तो एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब 1 अपॉन एक्स तो कॉन्स्टेंट हो गया एज इट इज, 1 अपॉन एक्स हो गया कॉन्स्टेंट, ठीक है। और बाई का डिफरेंशियल बाई के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैंने समझो 1 ऊपर लिख दिया है, समझ आ गया इतना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार फिर रिपीट करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, सेम रहा, टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, तो एक्स के प्लस पर वाई अपॉन एक्स है, तो वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दिया, इनटू में एक्स कॉन्स्टेंट है नीचे, वाई का हो गया क्या 1 हो गया डिफरेंशियल, यहाँ तक समझ आया, माइनस यहाँ कीजिए। अब यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो बेटा इस बार आपको फर्स्ट सेकंड मानना ही पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इनटू सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन बाई स्क्वायर है, तो एज इट इज मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करना है डिफरेंशियल, सेकंड का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का फॉर्मूला बताइए, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स अपॉन वाई है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक्स अपॉन वाई का फिर से करेंगे, तो एक्स अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, एक्स तो कॉन्स्टेंट रहेगा, जो ऊपर लिखा है कॉन्स्टेंट रहेगा एक्स, यहाँ लिख देते हैं एक्स तो हो गया बेटा कॉन्स्टेंट, करना किसका है 1 अपॉन वाई का, 1 अपॉन वाई का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है।
वन अपॉन वाई का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये भी आपको बता देते हैं। वाई को जब ऊपर ले जाएंगे तो वाई की पावर माइनस वन हो जाएगा। अभी आपको पढ़ाया था माइनस वन को आगे लाते हैं पावर को, इसमें से एक कम करते हैं तो माइनस वन में से एक माइनस एक करेंगे तो माइनस दो हो जाएगा, तो माइनस वन इंटू वाई की पावर माइनस टू हो गया। इस नीचे लाएंगे पावर प्लस हो जाएगा तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा। इस तरह से आता है। तो आप एज ए फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, टाइम बचेगा आपका। समझ गए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका y का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। समझ आया? फिर से रिपीट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया टेन इनवर्स का, और x अपॉन वाई का फिर से करेंगे तो x कांस्टेंट, वन अपॉन वाई का माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। प्लस में आप क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, मैं इसको हटा दूं, सेकंड फंक्शन एज इट इज टेन इनवर्स x अपॉन वाई, ठीक है, ये ब्रैकेट हटाई देते हैं, कोई बात नहीं, एक्स अपॉन वाई टेन इनवर्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल बेटा टू वाई हो जाएगा, टू वाई। यहाँ तक समझ गए? इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका एक बार हो गया डिफरेंशियल कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये नीचे ये हो गया, नीचे वाला देखिए, ये वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, इधर गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा ना। अब ये एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा वन पर, ये चीज़ समझ आ रही है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब समझ गए होंगे इतना। तो एक्स स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ऊपर पहुंच गए हैं, तो ये तो बाहर तो एक्स स्क्वायर था, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर चला गया, वेरी गुड। इस एक्स स्क्वायर का वन में मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ आया, इनटू में यहाँ वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है, बोलिए क्लियर ना, माइनस। अब इसको कीजिए, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर भी सेम वाई स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई होगा और वाई स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या था, ये वाई स्क्वायर था, इनटू में ये वाई स्क्वायर ऊपर ले गया, तो वाई स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, नीचे क्या गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इनटू यहाँ पर क्या है, माइनस है ये वाला, माइनस में ऊपर हो जाएगा, माइनस में एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। प्लस यहाँ क्या, टू बाई है, तो आप इसको आगे लिख सकते हैं, टू बाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, यहाँ तक क्लियर ना। चलिए एक और लाइन कर देते हैं, उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या, इससे ये पावर कैंसिल, x की पावर 3 बचेगा ऊपर, x की पावर 3 बच गया, नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, माइनस। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, मिलकर प्लस हो गया, एक्स वाई स्क्वायर कितना, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। और ये प्लस से ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो गया, यहाँ कितना आ गया, टू बाई टू बाई और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। यहाँ तक समझ आया? इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, सेम है दोनों, तो नीचे आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे सेम आ गया, ऊपर कितना हो गया, एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस में टू बाई और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। यहाँ तक समझ आया? इसमें से ऊपर से एक्स एक्स कॉमन लीजिए, जब आप ऊपर से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे पहले से था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ पा रहे ना। मतलब बेटा मैंने ऊपर से क्या किया, x को कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो मैंने x को कॉमन लिया बाहर, तो अंदर बच गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ वाई स्क्वायर बचा, नीचे पहले से था, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना टू बाई और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। बोलिए इसके बाद क्या आ गया, अब ये इसके बाद देखिए यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपने जो वैल्यू निकाली है डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू आ गई कितनी आ गई, ये तो एक्स बचा आ गया, तो एक्स बचा माइनस में, ये कितना आएगा टू बाई और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। यहाँ तक समझ आ गया ना, यहाँ तक एक बार हो गया डिफरेंशियल, इसको समीकरण दो कह सकते हैं आप, एक बार हम कर चुके पार्शियल डिफरेंशियल यू का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़े ध्यान से करना आप, है ना, प्लीज़ करके बहुत ध्यान से करना, गलती ना होनी चाहिए कोई भी इसमें। इसको रफ करता हूँ और इसका एक बार और कर देंगे, y के रिस्पेक्ट में हो ही गया, x के रिस्पेक्ट में और करेंगे, चलिए करते हैं, इसी तरह से ध्यान से करना है आप सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब करना है x के रिस्पेक्ट में, y के तो कर चुके हैं, जो समीकरण दो आया है तो यहाँ लिख दीजिएगा आप क्या, समीकरण दो का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, इसमें y हो जाएगा कॉन्स्टेंट कीजिए इसका, तो ऊपर हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल एक्स इंटू इधर क्या डेल वाई बराबर। अब हम कर रहे हैं किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई कांस्टेंट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का कितना हो गया बेटा वन हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का हो गया वन,
बाई कांस्टेंट है तो 2 बाई तो सेम रहेगा, कांस्टेंट हो गया, 2 बाई हो गया कांस्टेंट। टेन इनवर्स का करना है आपको, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे एक्स अपॉन वाई है तो एक्स अपॉन वाई का हो जाएगा स्क्वायर, समझ आया। इन टू में एक्स अपॉन वाई का फिर से करेंगे, कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट, वाई तो हो गया नीचे कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशियल बेटा 1 हो जाएगा, समझ आया। रिपीट करते हैं फिर से, इसका करना था x के सापेक्ष समीकरण 2 का, तो x के सापेक्ष x का डिफरेंशियल 1 हो गया, ठीक है, माइनस 2 बाई, बाई कॉन्स्टेंट है तो 2 बाई एज इट इज लिख जाएगा। अब इसका करेंगे टेन इनवर्स का, फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ x के प्लेस पे क्या है, x अपॉन वाई है तो x अपॉन वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब x ना होके एक्स्ट्रा कुछ फंक्शन हो तो हम इसका फिर से करते हैं डिफरेंशियल, हमें पार्शियल डिफरेंशियल करना है, बाई कॉन्स्टेंट था तो नीचे वाला कॉन्स्टेंट हो गया, x का डिफरेंशियल 1 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, 1 माइनस ऊपर कितना हो गया, बाई से तो बाई काट दिया आपने, ठीक है काट लीजिए, ये बाई स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बाई स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा तो माइनस में 2 बाई स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे हो जाएगा यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना समझ आया। बाई से बाई कट गया, ऊपर 2 था बाई स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर के तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये बाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ये आपको आता होगा। इतना अपॉन 1 करके यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हैं, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस, इधर माइनस का 2 बाई स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते नीचे ही, ऊपर तो एक्स स्क्वायर है माइनस में, एक प्लस का एक माइनस का बचेगा बाई स्क्वायर, अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। क्या आपको यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, देख लीजिए यही प्रूव करना था दोस्तों, यही तो लाना था आपको, डेल 2u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, प्रूव हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी आसानी से हमने समझने की कोशिश की है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस एक क्वेश्चन लास्ट बचा है उसको और मैं आपको करा दूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है चलिए।